हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यो व्हाट्सएप के 10 होम स्क्रीन सेटिंग के बारे में। जी हाँ गाइस, 10 सेटिंग बताऊंगा इसके होम स्क्रीन के बारे में, जो कि अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो आपका जो ये व्हाट्सएप का होम स्क्रीन है उसका लुक जो है चेंज हो जाएगा। जी हाँ गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम पूरा नॉर्मल जैसा है, ठीक है, पर अगर आप उस सेटिंग को करेंगे तो आपका यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है यहाँ पर पूरा चेंज हो जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर कोई भी बंदा देखेगा आपका व्हाट्सएप को वो भी सोचेगा भाई ये सेटिंग आपने कहाँ से किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सेटिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको FM मोड पे चले जाना है, ठीक है। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे FM थेंस पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड FM थेंस, ठीक है। आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे थेंस मिल जाएंगे ये व्हाट्सएप के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो इसमें से अच्छा लगे वो थेम वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कोई भी एक थेम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस वाले थेम्स को हमको सेट करना है, ठीक है। जब आप सेट करेंगे आपका जो चैट स्क्रीन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, साथ में। तो चलिए हम ये ब्लू वाला सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका जो यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया और इसका जो चैट स्क्रीन है ये भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं इसका दूसरा सेटिंग, ठीक है। दूसरा सेटिंग के लिए आपको थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको FM मोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है होम स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा होम स्क्रीन का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रोज का, सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट कलर, ठीक है, और इसके नीचे लिखा है कॉन्टैक्ट नेम कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो कलर है, तो चलिए हम यहाँ से जो ये कॉन्टैक्ट कलर है इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। रेड पर ले जाते हैं ऊपर, ठीक है, उसके बाद न्यू कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे कॉन्टैक्ट कलर जो है ये रेड कर दिए है, और इसका जो टेस्ट कलर है इसका हम दूसरा कोई कलर कर लेते हैं, इसका हम ब्लू कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लू पे ले जाना है, उसके बाद आपको न्यू कलर पे क्लिक करना है। अब गाइस क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ से बैग आ जाते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका कॉन्टैक्ट नेम है, जो यहाँ पे जो नेम था वो जो है लाल कलर का, मतलब रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है, और इसका जो मैसेज जो हम भेजे हैं यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो मैसेज भेजे हैं वो ब्लू कलर का दिख रहा है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको फिर से थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको FM मोड पे फिर से जाना है। यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना होगा यूनिवर्सल वाले ऑप्शन में, ठीक है। आपको यूनिवर्सल वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेकंड नंबर पे, स्टाइल लुक एंड फील, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फोन स्टाइलिश, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फोन मिल जाएंगे, तो चलिए यहाँ से हम कोई भी एक फोन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमको ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से बैग आना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका फोन है यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है कितना डिज़ाइन में लिखा है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब गाइस बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट सेटिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये डिज़ाइन में बना हुआ है इससे आप समझ नहीं पाओगे इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पहले जैसा कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम पहले जैसा कर दिए हैं, इसका जो पैटर्न था मतलब उसको चेंज कर दिए हैं, क्योंकि आपको सही समझ में नहीं आता, आप फिर से हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद होम स्क्रीन के नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा चैट स्क्रीन का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा एक ऑप्शन आपको दिखेगा बबल एंड ट्रिक्स, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका मैसेज टेस्ट साइज़ है इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका मैसेज टेस्ट साइज़ है ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, अगर आपको दिख नहीं रहा बराबर से तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पे जैसे कि हम इसको इतना बड़ा कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं मेरा मैसेज जो वहाँ पे आता है वो बड़ा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा लिख के आ चुका है, मतलब कि हमको चश्मा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इसी तरीके से ये सेटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट सेटिंग है वो कैसे होगा। सबसे पहले आपको फिर से थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर FM मोड पर जाना है। अब यहाँ पे आपको जाना होगा होम स्क्रीन पे, ठीक है। आपको होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे नंबर वन पे एक ऑप्शन दिखेगा हेड हेयर का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पहले नंबर पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ इस वाला ऑप्शन पे, ठीक है, एनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी। तो आपको इस चीज़ को ऑन कर देना है, ठीक है। जब इस चीज़ को आप ऑन कर देंगे, जब आप इस वाला ऑप्शन पे ऑन कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम चल के देख लेते हैं क्या होता है। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम के जैसा आपका जो स्टेटस है आपके सामने दिखेगा, मतलब आपके होम स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी का भी स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस इसका नेक्स्ट सेटिंग के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो यहाँ आपका नाम दिख रहा है यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ कॉर्नर में, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पैटर्न मांगेगा, अगर तो आपको पैटर्न लगाना है, ठीक है। जब यहाँ पे पैटर्न मांगेगा तो आपको अपना पैटर्न डालना होगा जो आप सेट करे रहेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे एक नंबर यहाँ पे हम सेव किए हैं। अगर किसी से आपको पर्सनल बात करना है, ठीक है, तो आपको पर्सनल जिसे किसी से बात करना है तो आप यहाँ से जाके बात कर सकते हैं। आपके होम स्क्रीन पे वो नंबर नहीं दिखेगा। जैसे कि हम मान लो इसको हमको हाइड करके बात करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चैट हाइड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नीचे लिखा हाइड चैट। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे पैटर्न है यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अब वो नंबर यहाँ से हट चुका है, अब हमको बात करना उसको कैसे करेंगे, फिर हमको इस पर क्लिक करना है इस अपने नाम पे, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद अपना जो पैटर्न है वो डाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ से बात कर सकते हैं, ठीक है, और किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। अगर गाइस अगर आप यहाँ से इसको बाहर निकालना चाहते हैं, फिर से आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद अनहाइड चैट पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको अपना पैटर्न डाल देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये हाइड हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर यहाँ से बाहर आ चुका है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट सेटिंग क्या है। नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर FM मोड पे चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाना है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है हेड हेयर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम था इस चीज़ को हम ऑन कर दिए थे, चलिए हम इसको अब ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका जो ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको जो ग्रुप दिख रहा है इसको भी आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ऐसे चालू कर देते हैं, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन भी दिखे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेट माय नेम, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नेम कौन सा है जो आपके यहाँ कॉर्नर पे नाम दिखता है, या योर सेल्फ लिखा रहेगा या तो आपका नाम लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसको भी हाइड करना है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा। चलिए यहाँ से हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका जो नीचे है शो कैमरा लेंस, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका जो कैमरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके कॉर्नर पे यहाँ कैमरा आता है, तो अगर इसको आप बंद करेंगे यहाँ से कैमरा हट जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ शो लाइट नाइट यहाँ पे मोड जो आपको दिखता है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आप बंद करेंगे ये भी यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिख जाएगा शो एयरप्लेन मोड, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर इसको भी हटाना चाहेंगे यहाँ पे आपका जो एयरप्लेन मोड था यहाँ पे ऊपर तो ये भी हट चुका है, ठीक है। चलिए हम ऐसे ऑन कर लेते हैं, इससे ये चीज़ होता है, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसका दूसरा सेटिंग क्या है। सबसे पहले आपको थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको FM मोड में जाना है। यहाँ आने के बाद आपको होम स्क्रीन पे जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको रोस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मतलब सेकंड वाले नंबर पे आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा कॉल्स, यहाँ पे मी कॉल्स कॉन्टेक्ट स्क्रीन टेस्ट साइज, तो आपको इसको भी अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे बड़ा करेंगे, उसके बाद आपको सीधे बैग आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या होता है स्क्रीन पे। गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं ये हमारे स्क्रीन पे कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस आप देख सकते हैं जो इसका जो फॉन्ट है, मतलब जो इसका कॉन्टेक्ट कलर है टेस्ट है, ये सब बड़ा दिखने लगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना सेटिंग बताना था। तो गाइस अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।